नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लावा अग्नि 5G वर्सेस पोको M4 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो अग्नि 5G में 6.65 इंच जबकि पोको M4 Pro में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि अग्नि 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो अग्नि 5G में 3.02 इंच जबकि पोको M4 Pro में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि अग्नि 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो अग्नि 5G में 0.36 इंच जबकि पोको M4 Pro में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो अग्नि 5G में 204 ग्राम जबकि पोको M4 Pro में 179.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो अग्नि 5G में IPS LCD जबकि पोको M4 Pro में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो अग्नि 5G में 6.78 इंचेस जबकि पोको M4 Pro में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन अग्नि 5G में 1080x2460 और पोको M4 Pro में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अग्नि 5G में 84.33% जबकि पोको M4 Pro में 84.64% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो अग्नि 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि पोको M4 Pro में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो अग्नि 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और पोको M4 Pro की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो अग्नि 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और पोको M4 Pro की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो अग्नि 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और पोको M4 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो अग्नि 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 और Poco M4 Pro में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो अग्नि 5G में 8GB की RAM मिलती है, जबकि Poco M4 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो अग्नि 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि पोको M4 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो अग्नि 5G में अप टू 256GB जबकि पोको M4 Pro में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो अग्नि 5G में 1 कलर्स जबकि पोको M4 Pro में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो अग्नि 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें पोको M4 Pro की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 गीगाबाइट रैम 64 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो लावा अग्नि 5G में 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको M4 Pro की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में पोको M4 Pro आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M51 है, दूसरा शाओमी पोको M2 Pro है, तीसरा ओप्पो A53 2020 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो F17 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।